अब देखना जो अपना सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के अगेन तीन पार्ट थे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन किसके लिए था? सीएन प्रैक्टिस के लिए था, और उसके अंदर है कुल मिलाकर 10 क्लॉजेस। ठीक है, अब कैसे याद करोगे? अब याद रखिएगा पार्ट टू किसकी कहानी है पता है, मतलब शेड्यूल टू किसकी कहानी है पता है, शेड्यूल टू पार्ट वन। याद रखिएगा मैंने तुमको बोला था जब आप क्लाइंट के प्रीमाइसेस में चले जाओगे आप शेड्यूल टू में आ जाओगे, आप जब अपने दफ्तर में हो आप शेड्यूल वन में हो, आप जब क्लाइंट के प्रीमाइसेस में चले गए आप शेड्यूल टू में आ गए। तो अब जब क्लाइंट के प्रीमाइसेस में गए आप, आपने देखा तीन तीन क्लाइंट एक साथ बैठा है यार, तीन तीन क्लाइंट एक साथ बैठा है और तीनों क्लाइंट को तुम गालियां देते हो, तो तुमने क्या बोला, तुम्हारे मुंह से रिएक्शन क्या निकला? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। क्या रिएक्शन निकला? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। क्या निकला? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। दैट इज व्हाट इज ट्रिपल सी। सी फोर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज वन, सी फोर सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन क्लॉज टू, सी फोर कॉन्टिंजेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स क्लॉज थ्री, राइट। देन उसके बाद ओ माय गॉड, ओ फॉर ओपिनियन क्लॉज फोर, एम फॉर मटेरियल फैक्ट क्लॉज फाइव, एम फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लॉज सिक्स, जी फॉर ग्रॉसली नेग्लिजेंस क्लॉज सेवन, एविडेंस नहीं लिया, एविडेंसेस नॉट ऑब्टेन क्लॉज एट, स्टैंडर्ड्स नॉट कंप्लाइड क्लॉज नाइन, एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला, दैट इज क्लॉज टेन।